कैसे हैं आप सभी। एलपी ब्यूटी में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रीत तिवारी, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लेयर कटिंग, बालों की फुल लेयर कटिंग कैसे करें, और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आसान तरीका बताया हुआ है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेयर कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको बालों को अच्छे से सुलझा लेना है और गीला कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे गीला कर रही हूँ बालों को। ये हमारा बाल अच्छे से गीला हो चुका है। अब हमको बीच से बीच बालों की बीच की मांग निकाल के पूरा पीछे तक बीच से बीच पार्टिंग कर लेना है इस तरीके से, देख सकते हैं। ये हमारा पार्टिंग हो गया। अब हम आगे से फेस के पास से ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे, ईयर के आगे से पार्टिंग करना है और हमको इनके बाल ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने हैं, इन्होंने बोला था। और इस तरीके से बालों को लेना है और आगे का जो हमने ये कट किया था, कट नहीं किया हुआ, इनका पहले से कट है, इसी लेंथ के अकॉर्डिंग हमको पूरे बालों को कटिंग करना है। थोड़ा सा ऊपर उठा के कट करना है, ऊपर उठाने से क्या होता है फेस के पूरा ऊपर उठा के कट करने से हमारा मतलब लेयर अच्छे से आएगा। इसी तरह सारे बालों को थोड़ा थोड़ा लेके और ऊपर उठा के गाइडलाइन को नहीं छोड़ना, गाइडलाइन ले लेके ये गाइडलाइन इसको लेके अब कट करना है हमको। सारे बालों को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कट करना है इस तरीके से। ऊपर जरूर उठाइएगा बालों को थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर उठाने से लेयर अच्छे से निकल के आता है। ओके, इस तरीके से हमारा कट होता है, छोटा बड़ा लेयर में आएगा हमारे सारे बालों को, सारे बाल। ध्यान से देखिएगा वीडियो को प्लीज़, गाइडलाइन नहीं छोड़ना, गाइडलाइन हमें ले लेना है, ये हमारा गाइडलाइन है। और इस तरीके से ऊपर उठा उठा के बालों को कट करना है। ओके, ये देखिए मेरा गाइडलाइन है, फिर उसी तरीके से बालों को ऊपर उठाना है और कट करना है। बालों की लेंथ हमको छोटी नहीं करनी है, तो देखिए कितना सा बाल हमारा लेंथ छोटा हुआ, बस इतना सा छोटा हुआ। अब इसी तरीके से हमको इस बालों को पीछे कर देंगे, इधर के बालों को हम आगे ही रहने देंगे। ये देखिए इस तरीके का इस साइड का कटिंग हुआ है। अब उस साइड के बालों को हमने आगे कर लिया, इधर के बालों को भी सेम उसी तरीके से जैसे हमने उस तरफ के बालों को कट किया था उसी तरीके से इधर के बालों को भी कट करना है, दूसरी साइड के बालों को वैसे ही हमने आगे के बालों को लिया जितना उधर का लिए थे। हमने आगे के जो हमने उस साइड के आगे के बालों को कट किया था उसका हम लोग गाइडलाइन ले लेंगे और उसी तरीके से कट करना है। सेम बराबर ही उठाना, जितना उधर से बालों को उठा के कट किया था उतना इधर का भी बालों को उठा के कट करना। ओके, अब इस तरीके से पूरे बालों को कट कर लेंगे। थोड़े थोड़े बालों को लेके और गाइडलाइन ले लेके हमको कट करना है, बालों को 90 डिग्री तक ऊपर उठा उठा के कट करना है। ओके, अगर आप इस तरीके से कट कर देंगे तो अच्छा लेयर नहीं आएगा, इसलिए हमको ऊपर उठा लेना है, उठा के कट करना है। देख सकते हैं गाइडलाइन ले लेके ही कट करना है। ओके, जो बाल हमारे छूट रहे हैं वो छूटने दीजिए।
ये हमारा गाइडलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग फिर कट करेंगे। जो हमारा लास्ट बाल बचा हुआ इतना का, उसको भी कट कर लेंगे। पूरे बालों को हम पीछे करेंगे, पूरे बालों को पीछे लाकर ये देखिए कितना सुंदर कट आया हुआ है हमारा। और जो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बचा हुआ है उसको हम वी आकार में कट कर लेंगे। ओके, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा हेयर कट। और आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेयर कटिंग कैसे की जाती है। और कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ भी आपको पूछना हो मेकअप से रिलेटेड, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम और हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल और ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ब्यूटिशियन कोर्स भी आप मुझसे सीख सकते हैं वो यूट्यूब के जरिए। और बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कोर्स वगैरह सीखना हो, सिलाई, ब्यूटिशियन, कुछ भी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। बाय बाय, टेक केयर।